हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ तापोशी और आज हम बनाएंगे चना दाल। और इसे कचौड़ी पूड़ी के साथ खाया जाता है। इस रेसिपी को बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले सारे रेसिपी आप तक पहुंच पाए, और हमें कमेंट करना, लाइक करना ना भूले, और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम चना दाल बनाते हैं। यहाँ मैंने चने की दाल को पहले अच्छे से धोकर आधा घंटा पानी में भिगोकर रखे थे और उसे प्रेशर कुकर में डालकर दो सीटी लगाकर इसको निकाल लिए हैं। तो दाल हमारा बॉयल हो चुका है। अब इसे ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, दो सीटी लगाना है, ज़्यादा गलाना नहीं है दाल को। एक टमाटर, दो हरी मिर्च और एक इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे हम मिक्सर में पेस्ट बना लेते हैं। कढ़ाई गर्म होने पर दो चम्मच ऑयल डालते हैं। अब हम इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालते हैं और अदरक, टमाटर और मिर्च का पेस्ट डालते हैं। तो तेज पत्ता डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, चम्मच नमक, 2-3 पिंच हींग डालते हैं, वन फोर चम्मच चीनी, और सभी को मसाले के साथ अच्छे से पकाना है जब तक हमारा अच्छे से मसाला से तेल ना छूटे, तब तक हमें मसाले को अच्छे से पकाना है। 2-3 मिनट तक मसाले को हम अच्छे से पकाएंगे और अब हम इसमें बॉईल किया हुआ चना दाल को डाल देते हैं। यहाँ मैंने 100 ग्राम चना दाल को बॉईल किए हैं और इसको अब हम 4-5 मिनट अच्छे से उबाल देंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालते हैं, 1/2 चम्मच घी डालते हैं, इसे अच्छे से मिलाते हैं। इस दाल को आप पूड़ी, कचौड़ी, पराठा, रोटी सभी के साथ खा सकते हैं। यह खास करके कचौड़ी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ धनिया पत्ता। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और हमारा दाल तैयार है। गैस को अब हम ऑफ कर देते हैं।